हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईलव एकेडमी। आज हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द डे मॉडर्न एल्जेब्रा से है। 3 मई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। ऑर्डर 60 हमें गिवन है। पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है जी इज अबेलियन, सेकेंड जी हैज़ ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, एंड सी ऑप्शन है जी हैज़ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, 3 एंड 5, एंड फोर्थ ऑप्शन है जी हैज़ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, 10 एंड 15। जो ऑप्शंस हमारे पास एकदम करेक्ट होंगे वही हमें इसमें से पिक करने, यानी कि ऑप्शंस हमें बताने हैं कि जी अबेलियन है या ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 है या उसके ऑर्डर 2, 3 एंड 5 है एंड सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, 10 एंड 15 है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ से। तो देखो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि जी इज अबेलियन। ठीक है, अगर देखो हम अबेलियन की बात करें, टेक जी इज इक्वल्स टू ए फाइव, क्योंकि हमारे पास क्या है 60 का है यहाँ से, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या मिल गया, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप मिल गया। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप इट मीन्स हमारे पास क्या होता है, नॉन अबेलियन ग्रुप होता है ये। ठीक है, तो ये ऑप्शंस तो हमारा करेक्ट नहीं हुआ ना, इनकरेक्ट हो गया, हमें नॉन अबेलियन ही मिल गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की बात करें, सेकेंड ऑप्शन में सब ग्रुप ऑफ 30 बोला था हमारे पास, सब ग्रुप ऑफ 30। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस हमारे पास ऑर्डर क्या था इसका 60। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सिंपल एंड हैंस नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30। इसमें ऑर्डर 30 के कोई भी ग्रुप नहीं है। अच्छा, इसको अगर और तरीके से देखें तो अगर इसका इंडेक्स क्या हो गया 2, तब भी ये क्या बन गया हमारे पास नॉर्मल, तो ये तब भी इनकरेक्ट हो गया हमारे पास। अब थर्ड ऑप्शन की बारी है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या कहता है कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, 3 एंड 5, इन तीनों के लिए उसने पूछा है। ठीक है, तो देखो एक हमारे पास कॉची थ्योरम होती है। ठीक है, कॉची थ्योरम क्या कहती है हमारे पास कि जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, जी इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड पी इज ए प्राइम नंबर, पी इज ए प्राइम नंबर डिवाइडिंग द ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है ना, जी हमारे पास क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, तो वो कंटेन्स एन एलिमेंट एंड हैंस ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। ठीक है, ऑफ ऑर्डर पी, देखो पी टाइप के हमारे पास 2, 3, 5 तीनों ही किस टाइप के हैं, उसके पी टाइप के, तो प्राइम नंबर हो गए हमारे पास और ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी करेक्ट है, तो हमारे पास ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि उसके जो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर है, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर है 6, 10 एंड 15। तो देखो अगर हम इस ऑप्शन से इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन से प्राइम नंबर है तो इसमें तो हमारे पास नहीं आएगा ये वाला। ठीक है, अच्छा अगर हम इसे इस थोड़े अलग तरीके से भी करें, अगर हम कोई सब ग्रुप लेते हैं, एनी सब ग्रुप ऑफ 15 हमने लिया, तो इट मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है, मस्ट बी है ये साइक्लिक। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास एक रिजल्ट होता है ना, जब पी और क्यू हमारे पास प्राइम होते हैं एंड पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन, डज नॉट डिवाइड पी। ठीक है, तो इसका मतलब है अभी हमारे पास जो जियो होता है वो तभी साइक्लिक होता है, बट ये पॉसिबल तो हमारे पास होता ही नहीं है ना। पॉसिबल कब होगा, जब ए फाइव के अंदर इसके एलिमेंट्स नहीं होंगे, नो एलिमेंट। ठीक है ना, जिसका ऑर्डर क्या होगा 15 यहाँ से, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, इसका थर्ड करेक्ट हो गया ऑप्शन। तो ये इस कंडीशन को तो
ये नहीं हुआ तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट एंड फर्स्ट इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थैंक यू।